उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में 2.5 साल की बच्ची की निर्मम हत्या के बाद पुलिस ने आरोपियों पर शिकंजा कस दिया है। इसी बीच पुलिस ने शनिवार को इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अलीगढ़ में बच्ची से दिल दहला देने वाली वारदात पर देश भर में आक्रोश है। वहीं मामले की जांच कर रही SIT की टीम को आशंका है कि हत्या के बाद बच्ची के शव को फ्रिज में रखा गया था। 2.5 साल की बच्ची की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी जाहिद और उसकी पत्नी समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बच्ची का शव जाहिद की पत्नी के कपड़े में लपेटा हुआ था। शनिवार को अंजाम देने वाले तीसरे आरोपी मेहदी हसन के अलावा चौथी महिला आरोपी जाहिद की पत्नी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों से हत्या के मामले में पूछताछ की जा रही है। मेहदी हसन और महिला आरोपी से पहले इस मामले में पकड़े गए जाहिद और असलम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। जाहिद की पत्नी को गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस को घर में रखा फ्रिज साफ सुथरा मिला। ऐसे में पुलिस को आशंका है कि बच्ची की हत्या के बाद शव को फ्रिज में रखा गया। इस मामले में अब तक 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया जा चुका है। आरोप है कि बच्ची जब गायब हुई थी तो इन्होंने रिपोर्ट नहीं लिखी थी और जांच में भी देरी की। पीड़ित परिवार ने जब प्रदर्शन शुरू किया और आत्महत्या की धमकी दी तब पुलिस जागी और 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई। आइए जानते हैं क्या था पूरा मामला। वारदात अलीगढ़ के टप्पल की है। पुलिस के मुताबिक आरोपी जाहिद से बच्ची के परिवार ने 50,000 रुपये उधार लिए थे। इनमें से 10,000 बकाया थे। पैसे नहीं देने पर 28 मई को जाहिद की बच्ची के दादा से कहासुनी हुई। इसके बाद 30 मई को जाहिद ने बच्ची को अगवा किया और उसकी हत्या कर साथी असलम की मदद से शव को ठिकाने लगा दिया। परिवार को बच्ची का शव 2 जून को घर के पास किसी कूड़े के ढेर में मिला। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।